रामेश्वर में जो है भाई सरपंच था, याद कराने के लिए आपको दी है आप, मैं मुझे 14 से 19 तक की जो आप तारीख दी थी यहाँ की सेवादारी की, और जब मैं आया तो लोग के बोले ओम प्रकाश पड़ तो जाने के राम तो मैं 5-6 साल आया कि नहीं आया, और इतना बढ़िया टेम आपने दिया चाहे प्रोग्राम यहाँ किया हो चाहे गुस्ते चौपाट में किया हो, जो भी कागज मेरे सामने रखा मैंने कदे ना नहीं कर, मेरा बहुत बढ़िया टाइम था मेरे पे बापे भी भूल के पास इतना अच्छा अवसर प्राप्त मिला परमात्मा ने, और उसके नाते से गांव ने जो भी ड्यूटी लगाई उस ड्यूटी को मैंने खड़ा होकर करने का काम, आप वो भगत गांव है वो सेवा आयोग वो संरक्षण का कानून बनाया, वो सेवा आयोग के रुपये 50 करोड़ करे 5 करोड़ से मुआवजा बढ़ाया 6 से 12 हजार किया, और अपने इस 10 साल के टाइम में 4,600 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से मुआवजा बढ़ाने का काम किया, मैंने फसल बीमा योजना बना के प्रधानमंत्री जी पे ले गया, अरुण जेटली जी की सहमति से देश में लागू हुई 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को बटा, 8,000 करोड़ रुपया अपने हरियाणा में आया, और 12,600 करोड़ 4,600 मैंने बताए डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड के, ये मिला के 12,600 करोड़ रुपया 10 साल में आपके पास बटा इस प्रदेश के किसानों का। ये मैंने इसलिए किया कि बचपन में मैं देखता था जब ओले पड़ते तो मेरी माँ कहती भाई दवा मुद्दा मारो आपने किस किसने मारो रहे, तो तब मैंने सोचा था कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे किसान के खेत में नहीं पड़ते ₹14 के चेक हुड्डा साहब के टाइम में आया करते, आप देखियो इस टाइम में 12,600 करोड़ रुपए कटवा दिए सरकार के खजाने से बड़े ना हुए, आपके लिए लड़ाई लड़ी लाभकारी मूल्य की आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, बताओ बाजरे के दाम 3 गुना हुए कि नहीं हुए, ताड़ी मारो ना फिर खुश होते हैं, हमारे सरसों के दाम दुगुने हुए कि नहीं हुए, और गेहूं और धान के भी जो है 1.5 गुना दाम हुआ है, और इस सारे टाइम में आपकी हर फसल खरीदवाई कि नहीं खरीदवाई, किसान का बेटा और की करता, एक यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर ले आया, पाटोदा में खरीद शुरू करा दी, बादली में शुरू करा दी, ढाकले में शुरू करा दी, पटवारी तो ऊपर अफसर नहीं था, मासरोली में वीडियो बैठा दिया, बादली में वीडियो तहसीलदार SDM बैठा दिया, गुलाना में बेटियों का कॉलेज बनवा दिया, पाटोदा में सांस्कृतिक स्कूल बनवा दिया, 30 से ज्यादा स्कूल ला के नई बिल्डिंग बन गई या बन लाग रही है, 100 से ज्यादा उस समय फालतू सड़क बना दी, जो भी ड्यूटी पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं था आपने दे रहा इस हल्के में, ऐसा मरना माया आज सारे हल्के में एक दो गांव छोड़ दो अब पीने के पानी का संकट नहीं है, तो भाई काम तो तुमने देख लिया काम में कोई कच्ची है, फिर भाई मन ने कोई पाड़िया हो कि फलाना आदमी कहेगा तो ये काम करूंगा, कोई मेरे पास आया और मैंने कही हो काम तो उसका फोन करा जब तेरे काम करो, फलाने में गैल लिया जब तेरे काम करो, पता कांग्रेस के राज में एक आदमी था कि नहीं, याद आ गया था मन तो कोई सुना छोटे हो अरे कोई अपने आप मेरे बोर्ड ला ले तो फाइट दो उसको भाई मन ने बोर्ड किसे तो ना दे रखे हो अपने कदे कोई फ्रेंचाइज नहीं बैठे हो कि यू ये कर अपने आप ही लोग बोर्ड लगा लेते हैं भाई है ना, अपने आप इसने बोर्ड ला रखे हो बोले धनखड़ गए बोले आज पाट छात्र समझ गया आप, तो भाई किसी सब मेरे लिए खखाने का हर आदमी बराबर, एक बात समझण की है उठा के एक रुपये ध्यान तो उन्होंने 5 पैसा 10 पैसा लग गया था आपके बेटे के आपके भाई के एक रुपये उठाओ तो 1 रुपया याद लगाने का काम, तो इतना काम मैंने बता दिया, NCI एम्स
भाई एक डिस्पेंसरी चलने थी, हमने बढ़ाई की नहीं बढ़ाई। जेवर खाना में वो प्लाट प्लाट थे, हमने वहां आयुर्वेद का नेशनल सेंटर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? केएमपी चालू कराया कि नहीं कराया? अब भाई मणिपुर में फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर बनवा दिया, रैया में भाई यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर का सेंटर बनवा दिया, अमन ने मेरे काम निडवा दिए। ये बात 10 साल रुपया का राज था, एक बार काम निडवाई हो। बताओ हल्के में काम हो तो भाई। अरे भाई 5 साल जो राख लियो तुमने, देख लियो आए तो ये तो आया है कोई हर आया उड़े हुए ना आए। आज देखो जी बैंकर खड़े कर रखे। तो भाई देख लियो तुमने, जो करके देख लियो। तो भाई तरक्की करो, जागता करो इसने। इसके सर्टिफिकेट तुमने देख लिए, कौन सी पास है? बुजुर्गो नौजवान साथियों, देखिए फर्क यही है, इन्होंने किस ढंग से काम किया, आपने अपने वाले को आशीर्वाद को किस ढंग से काम किया, आप जरा विचार कर लो भाइयों। अब ये उजाड़ के मारी तो मैडे के मन कम है कि मन ने सारी टिकट काट रहे की बताओ किसके शहर है चारों टिकट। हमने चार बार काट दो फिर मैं करती हूँ काम। जीतेगा बहुत बढ़िया शानदार प्रधानमंत्री।
भाई देश का कितना बड़ा नाम, दुनिया में ना, दुनिया भर के लोग। आज एक लड़का ऑस्ट्रेलिया का है, मुझे सुबह 1,00,000 रुपए का चेक दे के गया ब्रिस्बेन से। अरे मैंने कमाल कर दिया, ब्रिस्बेन पिछली नूट से चुनाव के लिए चाल गया। निमला नीचे कितनी बढ़ रही है, निमला ऑस्ट्रेलिया में जितने जो कहीं ना मेरा यार है पुराना, निमला जितने जो कहीं ना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कि दुनिया का पोस्ट है, निमला उससे भी तय कर लिया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने लिए काम मोदी जी को दुनिया का बोस आया है। निमला उससे दिन सोचती थी भाई चुनाव लड़ेगो, टिकट तो लागे लागे हैं लाखों रुपया की ऑस्ट्रेलिया दान जान में। निमला मैं चल तो देखा हूँ, चेक देखते पूरी दुनिया में जो सम्मान पड़ा ना ये उसका डिग्री तो लोग कौन हो भाई, आप समझो इस बात। रक्षा कितनी मजबूत हुई है, परसों अपने आप ने सुनिया राजनाथ सिंह जी को, देश किस लेवल पे, कितना ठंडा देश इस समय हुआ। निगाह उठा के देखो दिल्ली छोटे नहीं हो, कितनी गोली चलाओ, वो टाइम नहीं है रामेश्वर पुराने वाला जब तो फौजी था दिल्ली, तो वो क्या करते, हम तो गणकर राउंड मिलते थे, टीम कोई गिनती नहीं है। एक पत्रकार पूछ गया, मोदी जी ने खुद बताया कि वाणा रैली में एक पत्रकार पूछ गया निमला जी अब कैसे रिस्पॉन्स देते हो, न्यू हमारा फायर लाइन न्यू देते हैं न्यू। ये ठाटा पड़ते देश की इकोनॉमी पांचवें नंबर पर हर चीज का। हर भाई व्यक्तिगत रूप से पशुधन के बारे में आपके भैंसों का बढ़िया से बढ़िया बीमा शुरू करा नहीं कराया, 70,000-80,000 एक पशु मर जाए भाई घर में दिक्कत हो जाती थी। हम राम जी ऐसे हैं, और पशु मर जाए तो भी हम मानस की तरह दुख मनाते हैं, गलत तो नहीं कहते, मानस की तरह दुख मनाते हैं। हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है हमारा पशु, और किसान का कितना बड़ा झटका लगता है मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने ऐसी पॉलिसी लेके आया कि जितने भी किसान करना चाहो उतने कर दो, उतने दे दो, बताओ नहीं दी। मुझे नौजवान साथियों आगे गया भी काम मेरे को सौंप दिया, एक किताब लिखा जाते हैं आज जब करना होने से एक किताब लिखी जाती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टो, हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र, और हमारी पार्टी कहती है संकल्प पत्र। पिछले वाला निमन ने लिखा था, हरी वाला निमन लिखा है, क्योंकि जो आदमी लिखने लायक गया उसकी थोड़ी आदत सी हो जाए ठीक लिखने की, पार्टी पहचान दे। और जो दिल्ली और बढ़िया केंद्र सरकार का विरोधी साहब को पता है उसकी कमेटी में लिखा जाता है। तो माताओं बहनों जब लिखने लग गया तो सबसे पहले सारा ख्याल आ गया, ये लिख दिया कि 2100 रुपए हर बहन को 18 से 60 वाले को हर महीने मिलने चाहिए। थोड़ी भी साल में 2 बार है, ये 2100 रुपए हर महीने आओगे साल में 12 दे। और कोहली काली बहनों के लिए लिख दिया इनको सकुर्ती देंगे, और एक काम और कर दिया, हमारी माताएं बहने चौपाड़ों में नहीं जा पाती थी, मेरी दादी के टाइम में तो खाली चौपाड़ में भी वो ला कर लेती, माता जी कोई भी कोणी ने बोले कहा भाई वर्तमान साइंस का है, मैंने एक घर गांव में एक महिला चौपाड़ बनाएंगे, ये महिला चौपाड़ भजन करो कीर्तन करो सत्संग करो चरखे काटो बड़े काम ना करी, उन्होंने भगवान चुगली ना करी। हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को 25 लाख तक का लोन बिना गारंटी के देंगे, कोई जमीन धरने की जरूरत नहीं। अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को 5 लाख मकान बना के देंगे, लैट्रिन बाथरूम रसोई समेत फिटिंग करके, लत्ते कपड़े लेकर बैठ जाइए, बर्तन लेकर बैठ जाइए, बाकी काम हो रहे पेट पाओ। 2 लाख बच्चों को बिना खर्ची पर्ची का नौकरी देंगे। एक पत्रकार आ गया, ये खड़े महावीर साहब मेरे बच्चे को जारी किया तो उन्होंने लगा दिया माइक मेरे मुंह बदला पाड़ो इसकी 2 लाख की कह रही है, मगर न्यू खवा बिना खर्ची पर्ची। अरे एक ना तो स्कीम चला दी भाई, फरीदाबाद में है वो नीरज शर्मा ने बोला 50 वोटों पे एक नौकरी, अब 50 वोट तो भाई अब जाके 20 ग्राम बने कम तो नहीं, कम तो ठीक है, एक एक दो वोट हो रही घर के 20 ग्राम ओवर पार्क नहीं भाई वो खींचांगे, ये वो है
सोनू क्या करते पांच लक्ष्मण जी के केस ले आओ जब प्रमोशन मिलेगी। पुरानी बात याद होगी, वे है इनको इसी सकीम चलने एक वो गोदी है वो तो नहीं बोला भाई पहले हम रुक जाएंगे और फिर रिश्तेदार खाते बहुत बड़ी बात नहीं। हम भी सकुल की दीवार तोड़ के वो बाज के लिए दीवार आली जी पेटी में सुहा लाऊंगे। बड़ा लुक लिया देश, थोड़ा सताया हो सताया देश, थोड़ा नहीं सताया इनके इंद्र महाराज क्या रहा था देश का फांसी देने को सता ने तुम्हारे परिवार का हर सदस्य अकाल मौत मरेगा। तब ये साथ मिला था इस परिवार को, सब महात्माओं पर गोली चलाई थी लोगों ने, गायक भक्तों पर गोली चलाई थी, वो हत्या बंद कराने के लिए। और आपके आपके आपने जब आशीर्वाद दिया मैंने गोरक्षा का सबसे सख्त कानून बनाने का काम किया। हमारे प्रदेश में आप ग्रामीण जी कोई गो कसी करे तो 10 साल की कैद, कोई गायों को लेता ले जाता पकड़ा जाए 7 साल की कैद, गाड़ी जब्त होगी, जितने मानस होंगे उनने उन